मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर अकाउंट्स क्लास. ओके, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ओके, इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सो लेट्स रिवाइज अगेन द होल टॉपिक विच वी रेड यस्टरडे. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जस्ट एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है या फिर गाइडलाइंस है जिनको ऑब्जर्व करके हमें अकाउंट्स बनाना होता है, रिकॉर्ड करना होता है या फिर मेंटेन करना होता है. इसके 3 फीचर्स हैं. पहला तो ये अकाउंट्स मैन मेड है, मतलब इंसानों ने इसे बनाया है. सेकेंड इज इट इज़ फ्लैक्सीबल, मतलब अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हम आसानी से उसमें चेंजेस ला सकते हैं. सेकेंड है दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, मतलब सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है. दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड GAAP गैप, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अगेन इसकी टाइप्स देख लेते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स. अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अगर कोई अजम्पशंस अज्यूम कर लिए कि मान लो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो अजम्पशंस पे बेस्ड है, अज्यूम किया गया है. वेयर एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन पे बेस्ड है, ठीक है. जैसे मान लो हम लोग का ट्रेडिशंस है ना, बहुत सारे हिंदूज में तो बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं कि हमें दुर्गा पूजा में ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हमें समाज में ऐसे बिहेव करना चाहिए. मतलब इसको किसी ने बनाया नहीं है, बट ये एक ट्रेडिशंस है, चलता चला आ रहा है. उसी तरह से अकाउंट्स में कुछ चीज़ें चलते चले आ रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस. तो इसको, इसके लगभग 11 कन्वेंशंस है जो आपको हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ओके, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा था. सेकंड था कंसिस्टेंसी एंड थर्ड था एक्यूरल, ठीक है. तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. इसमें कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस एंड गोइंग का मतलब है इट इज गोइंग, गो ऑन, ठीक है. तो इस कंसेप्ट के हिसाब से ये होता है कि कोई भी पर्सन अगर अपना बिजनेस ओपन करता है, एस्टैब्लिश करता है, तो ये सोच करके करता है कि वो नियर फ्यूचर में अपना बिजनेस नहीं बंद करेगा. ओके, तो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस. ये सोचता है कि हमारा जो बिजनेस है बहुत लंबे समय तक चलेगा और फिलहाल दिमाग में कोई भी इंटेंशंस नहीं है कि अभी हमें अपना बिजनेस को शट डाउन करना है. बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल हम दो डिफरेंसेस करते हैं. पहला है डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स. फिक्स एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जो कि हमें बहुत लंबे समय के लिए बेनिफिट देते हैं, और करंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट हम लोग फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं. अगर ये कंसेप्ट नहीं रहे दिमाग में तो फिर सोचिए कि हमें फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस एक साल के अंदर अंदर बंद होने वाला है तो हमें क्या मतलब है कि हम फिक्स एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, इतना दिमाग लगाएं. ओके, दूसरा डिस्टिंक्शन हम लोग करते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट. ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर है जो बड़े खर्चे कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब छोटे मोटे खर्चे होते हैं. तो इन दोनों को भी हम लोग इसीलिए डिस्टिंक्शन करते हैं क्योंकि हम लोग ये सोच रखे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो हमने ये अज्यूम किया हुआ है. ओके, बहुत सारे बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बट हमने अज्यूम किया है कि ऐसा होगा. तो दिस इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी अजम्पशंस या कंसेप्ट जो बोल लीजिए, ठीक है. कंसिस्टेंसी अजम्पशंस, इसका आपको नाम से पता चल रहा होगा. लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरी कंसिस्टेंटली वीडियो देखें, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आप रेगुलर वे में मेरी वीडियो देखा करें, या फिर मैं आपको बोलूँगी कि आप कंस्टेंटली अपना अटेंडेंस दें मुझे. इट मीन्स वॉट कि आपको मैं बोल रही हूँ कि आप रेगुलरली क्लास आए, क्लास अटेंड करें, ठीक है. तो कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है कि एक चीज़ों को लगातार फॉलो करना.
ओके, तो ये कंसेप्ट कहती है कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, उसी को आप सालों साल फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक साल कोई और मेथड फॉलो करो, दूसरा साल कोई और मेथड फॉलो करो एंड तीसरा साल कोई और मेथड फॉलो करो। ऐसा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अकाउंट्स में, बल्कि अकाउंट्स में आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब आप एक मेथड अपना रहे हैं तो आप उसी को सालों साल फॉलो करें, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड consistently year after year। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो आपने एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेलेक्ट कर लिया या फिर अडॉप्ट कर लिया, उसी को आप हर साल फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि आपकी बुक में डेप्रिसिएशन का ही एग्जाम्पल है। अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे तब डेप्रिसिएशन मतलब होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट्स के लिए होता है और इसका मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। बल्कि आपको पैनिक नहीं होना है, कल मुझे पता चलेगा कि सब लोग डाउट पूछ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। प्लीज डोंट बी पैनिक, गो थ्रू योर कंटेंट। आप कंटेंट में जाकर देखो, आपका एक चैप्टर ही है डेप्रिसिएशन, जिसकी नाम है डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हो, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स असेट्स के वैल्यू में फॉल होना। एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रही हूँ, मान लो आपने एक कार खरीदा, अब एक साल बाद बेचने जाओगे तो आपने सपोज 5 लाख में कार खरीदा था, आप उसको एक साल बाद बेचने जाते हो, सेल करते हो, तो क्या आपको 5 लाख मिलेगा? आई एम आस्किंग विथ यू द सेम दिस क्वेश्चन, क्या आपको 5 लाख मिलेगा? आंसर विल बी नो, आपको कोई भी 5 लाख नहीं देगा। आपको आपको आपकी कार की वैल्यू हो सकता है 4 लाख दे दे, हो सकता है 3 लाख दे दे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अचानक आपकी जो कार की कम हो गई, इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कट करने के वैसे तो 10 मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें आपके जो सिलेबस में हमें जो रीड करना है दैट इज 2 मेथड, ठीक है। तो पहला मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरे मेथड का नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? ओके, तो अगर मान लो सपोज हम अपनी, अगर मैं मानती हूं कि मुझे 10 साल का अकाउंट्स बनाना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, मान लो मुझे 5 ईयर्स में अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले साल क्या करूं, SLM मेथड यूज़ करूं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करूं, दूसरे साल डिमिनिशिंग मेथड यूज़ करूं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड DVM, ओके, फिर तीसरे बार SLM यूज़ करूं, फिर चौथे बार DVM मेथड यूज़ करूं। ऐसा नहीं होता है, आपको एक मेथड यूज़ करना है। सपोज आपको SLM यूज़ करना है तो आपको SLM ही कंटिन्यू यूज़ करते चलना है, ठीक है, ओके। मैं यही कंसिस्टेंसी जो अजम्पशन है वो यही कहती है, अगर आप एक मेथड अडॉप्ट करते हैं तो आप उसी को कंटिन्यू करते हुए लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है। द क्वेश्चन इज दिस ना, योर माइंड इज आस्किंग द क्वेश्चन की व्हाई द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है। इससे क्या होती है, बेटर
अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके बिकॉज मैं रीजन लिख दे रही हूँ, बिकॉज ऑफ फर्स्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ठीक है. एंड दूसरा कंपेरेबल, आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कंपेरेबल विथ प्रीवियस ईयर. कंपेरेबल विथ प्रीवियस ईयर. तो आपको ऐसा क्यों करना चाहिए कि आपको एक ही मेथड कंस्टेंटली यूज करना चाहिए, या फिर इस मेथड को क्यों लाया गया है, ताकि जो कोई भी अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखता है ठीक है, उसको अच्छे से उसका इन्फॉर्मेशन मिले, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, एंड दूसरा कि उसको कंपेयर कर सकता है प्रीवियस ईयर से. अब क्वेश्चन उठता है कि क्या आप मेथड चेंज नहीं कर सकते हो. ओके क्वेश्चन अराइजेस कि क्या आप मेथड चेंज नहीं कर सकते हो इन एनी सर्कमस्टेंसेस, अगर एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया तो आंसर इज येस यू कैन चेंज इट. ओके तो यहां मैं लिखती हूं द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज्ड ठीक है. अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं. इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कब चेंज कर सकते हैं, पहला ठीक है, अगर हमें लॉ कहे करने को, तो इफ द लॉ गिव्स अस टू चेंज, अगर हमें ऐसा लगता है, हमें हमारी जो कानून है वो देता है कि हाँ ठीक है आप चेंज कर लीजिए, या फिर दूसरा है हम अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कहे कि आप चेंज कर सकते हो, देन आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ठीक है. या फिर तीसरा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन के लिए, आप अगर अपने ज्यादा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन चाहते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. ओके अब हम थर्ड अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्चुरियल अजम्पशंस. एक्चुरियल अजम्पशंस ओके इसमें क्या होता है, पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में, तब मैं आपको समझाऊंगी. अकॉर्डिंग टू द एक्चुरियल अजम्पशंस अ ट्रांजैक्शन इज recorded in the books of accounts at the time of at the time when it takes place and not when the settlement takes place ठीक है. तो अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू एक्चुरियल अजम्पशंस अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ when it takes place and not when the settlement takes place. इसको समझने के लिए मैं आपको एक example की तरफ लेकर के जाती हूँ. वो example अगर आप समझ गए तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको आप समझ जाओगे ठीक है. मान लो हमने January 1
एक जनवरी को, ठीक है, 2020 को एक गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज्ड, इसका दाम था 20,000, खरीदा, ओके, बट हमने उस दिन उसको पैसा नहीं दिया, ठीक है, बस हमने गुड्स खरीदा, ठीक है, पैसा नहीं दिया, पैसा कब दिया, पैसा दिया मार्च, नहीं अप्रैल में पैसा दिया, अप्रैल, 4 अप्रैल को पैसा दिया, ठीक है, 4 अप्रैल 2020 को हमने क्या किया, मनी पे किया 20,000 जो हमने गुड्स खरीदा था, ठीक है, तो हमने खरीदा कब, 1 जनवरी को, पैसा कब पे किया, 4 अप्रैल को, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, खरीदा गुड्स विदाउट पेइंग कैश, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। किसी का डाउट था ना, क्रेडिट परचेज मतलब क्या होता है, उधार में सामान खरीदना को क्रेडिट परचेज बोलते हैं, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट परचेज किया, उधार में सामान खरीद लिया, ठीक है, बट हमने क्या किया, पैसा कब दिया, 4 अप्रैल को दिया, ठीक है। अब मैं आप सारे बच्चों को कहती हूँ कि आप क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किस दिन लिखोगे अपने बुक्स में कि जिस दिन आपको पैसा मिलता है उस दिन लिखोगे, या फिर जिस दिन यहाँ पे आपने क्रेडिट परचेज सेल किया तब लिखोगे, ठीक है, अब किस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे कि आपके 20,000 गुड्स को आपने मिस्टर एक्स को बेचा, ठीक है, तो एक्यूरल अजम्पशंस क्या कहता है, कहता है कि अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ व्हेन इट टेक्स प्लेस, ठीक है, कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिस दिन वो टेक्स प्लेस हो, जिस दिन वो अकर हो, हम लोग को उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, ना कि उस दिन लिखना है जिस दिन, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, एंड उस दिन पे नहीं लिखना है जबकि आप सेटलमेंट होता है, मतलब जिस दिन आप पैसा पे कर रहे हैं उस दिन में नहीं लिखना है, आपको उसी दिन लिख देना है जबकि आप अपने गुड्स को किसी और को दे दिए, ठीक है, आपके यहाँ से गुड्स चला गया और इन रिटर्न आपको पैसा नहीं मिला, ठीक है, पैसा नहीं मिला, आपने क्रेडिट में बेचा, बट आपको रिकॉर्ड बुक्स में उसी दिन कर लेना है कि आपने आज के दिन मिस्टर राम को द बी 20,000 गुड्स को क्रेडिट परचेज किया था, तो आप अपने बुक्स में कब करोगे, इस दिन रिकॉर्ड करोगे, ना कि इस दिन रिकॉर्ड करोगे जिस दिन मैं आपको पैसा ला करके दे रही हूँ, ओके, तो एक्यूरल बेसिस का कहना है कि आप अपने अकाउंट्स में उस दिन लिखो ट्रांजेक्शन्स को जिस दिन वो टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, जिस दिन वो अकर होता है, ना कि उस दिन जिस दिन सेटलमेंट हो, ठीक है, तो अभी देखिए अकाउंट्स मेंटेन करने का दो तरीका है, कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है केस कैश पेमेंट करना, ठीक है, तो अभी हम जो फॉलो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा फॉलो होती है वो है एक्यूरल बेसिस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको समझना है कि एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है जिस दिन ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस करे उसी दिन हम रिकॉर्ड कर लें, और कैश बेसिस, अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे होते तो हम इस दिन रिकॉर्ड करते, ठीक है, बट पूरा वर्ल्ड जो है वो एक्यूरल बेसिस को वैल्यू देती है और इसी को ही एक्सेप्ट किया हुआ है, ओके, तो आपको क्या करना है, इस दिन लिखना है। अब क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि कैश इज इमॉर्टल एंड ट्रांजेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब हम लोग ये मानते हैं कि कैश जो है वो इमॉर्टल है, ठीक है, बट ट्रांजेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग एक्यूरल बेसिस पे ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ओके, सो आई एम एंडिंग द वीडियो हियर ओनली, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द अकाउंटिंग कन्वेंशंस, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे काम, कीप स्टडिंग, थैंक यू।